युद्ध की आग में धधक रहे पूरे मिडिल ईस्ट में कभी भी एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और ये युद्ध इसराइल के इर्द गिर्द ही होगा, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्ला के पेजर डिवाइस में कई धमाके होने के बाद से हिजबुल्ला बौखलाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में हूती का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में हूती ने अमेरिका को ऐसे ऐसे घाव दिए हैं जिन्हें वे कभी भूल नहीं सकता। गिद्ध और बाज जैसी नजर रखने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को हूती ने हवा में ही गिराकर अमेरिकी सेना की साख पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा दिया है। और अब तो अमेरिका ने भी मान लिया है कि एक हफ्ते के भीतर हूती ने अमेरिका के 2 MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। आपको बता दें कि जैसे जैसे इसराइल हमास युद्ध को एक साल होने को आ रहा है, वैसे वैसे मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में यमन का हूती आग में घी डालने का काम कर रहा है। हालांकि हूती को रोकने के लिए अमेरिका ने यमन के भीतर कई हवाई हमले किए थे, क्योंकि हूती ने लाल सागर में समुद्री ट्रैफिक को पूरी तरह से ठप कर दिया है। यहां से करीब $1 ट्रिलियन का कारोबार होता है और इसी रास्ते से युद्धग्रस्त सूडान और यमन को मदद भी भेजी जाती है। लेकिन हूती के हमलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हूती ने पिछले एक हफ्ते में सबसे पहले 10 सितंबर 2024 को अमेरिका का पहला ड्रोन मार गिराया था। इसके बाद 16 सितंबर 2024 को हूती ने एक ही हफ्ते में दूसरा MQ-9 ड्रोन गिरा दिया। और इस हमले का वीडियो भी सामने आया था जिसमें MQ-9 ड्रोन आग का गोला बनकर जमीन की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ड्रोन धर्मार प्रांत में जाकर गिरा था। आपको बता दें कि एक MQ-9 ड्रोन की कीमत करीब $3 करोड़ है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 24 घंटों तक उड़ सकता है। यमन के आसपास में अमेरिकी सेना और CIA दोनों ही इस ड्रोन को उड़ाते आए हैं। और साल 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद से ही हूती लगातार इन ड्रोन को निशाना बना रहा है। हूती ने यमन में 2017, 2019, 2023 और 2024 में MQ-9 ड्रोन को गिरा दिया। इसके अलावा हूती ने लाल सागर में 80 से ज्यादा मालवाहक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। एक मालवाहक जहाज अभी भी हूती के कब्जे में है। इसके अलावा हूती ने 2 जहाजों को समुंदर में डुबो दिया है और हूती के इन हमलों में 4 अमेरिकी नौसैनिकों की मौत हुई है। हालांकि लाल सागर में हूती के ज्यादातर हमलों को अमेरिका और सहयोगी देशों ने नाकाम किया है, लेकिन इन सब के बावजूद हूती अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े हुए जहाजों को बचकर जाने नहीं देगा और उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल गाजा में युद्ध नहीं रोक देता।